भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज खेला जाएगा। पहले दोनों मैचेस जीत चुकी टीम इंडिया की नजरें अब आखिरी मुकाबला जीतकर सीरीज को क्लीन स्वीप करने पर रहेगी। पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट और दूसरे वनडे में 44 रन से हराया था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सबसे पहली वनडे सीरीज 1983 में खेली गई। तब से अब तक दोनों देशों के बीच कुल 21 वनडे सीरीज खेली गई है और अब एक बार फिर भारत जब वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप तभी भी नहीं कर सका था, लेकिन वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ 3 बार 50 ओवर फॉर्मेट में क्लीन स्वीप किया है। तीसरे वनडे के दौरान रोहित एंड कंपनी के पास आखिरी मुकाबला जीतकर इतिहास रचने का मौका रहेगा। इधर सीरीज अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया अंतिम मैच में बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकती है। कोरोना की जंग जीत चुके शिखर धवन को मौका मिलना तय है, जबकि श्रेयस अय्यर को भी मौका मिल सकता है। चलिए इसी पर अधिक बातचीत के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट केजे सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इवन टीवी में। धन्यवाद जी सर। सर, क्लीन स्वीप करने का आज टीम इंडिया के पास मौका है। दो मैचेस वनडे जीत चुकी है वेस्टइंडीज के अगेंस्ट और अब आज क्लीन स्वीप करेगी और एक काफी लंबे समय के अंतराल के बाद अगर आज का मैच जीतती है तो क्लियर कट मैच यहां पर इंडिया एक बार फिर से फॉर्म में आती हुई नजर आ सकती है और साथ ही कोविड से रिकवर होकर नए खिलाड़ी भी आ रहे हैं। किस तरीके से आप आज का मैच एनालाइज करते हैं सर? देखिए, डेफिनेटली आज बहुत एक अच्छा बदलाव भी हो सकता है और कुल मिला के देखा जाए तो आज क्लीन स्वीप के लिए हम जा सकते हैं क्योंकि वेस्ट इंडीज की बैटिंग इतनी क्लिक नहीं करती है क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं उनकी बैटिंग में है नहीं। हालांकि बॉलिंग बहुत शानदार कर रहे हैं वो इस विकेट पे और सबसे बड़ी बात है कि पहला मैच हम बहुत ही आसानी से जीते थे। हमने 28 ओवर में ही रन बना दिए थे 176, हालांकि हमारे 6 विकेट गिर चुके थे उसमें रोहित ने रन दिए थे। दूसरा मैच में हमने फिर कन्विंसिंगली जीता और 237 रन हमने पहले बैटिंग करके बना दिया और उनको 117 रन आउट कर दिया। अब तीसरे मैच में देखता हूँ, देखिए बदलाव तो एक निश्चित रूप से होने वाला है। देखिए, शिखर धवन जो पहले कोविड से थे वो वापस रिकवरी करके वो आ चुके हैं और वो डेफिनेटली खेलने वाले हैं इस मैच में। और दूसरा मैच सबसे बड़ा एक चेंज और देखना चाहता हूँ। देखिए, कुलदीप यादव को एज अ बॉलर ट्राई करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वाशिंगटन सुंदर। तो यहाँ दो मेरे चेंजेस बनते हैं, धवन और कुलदीप यादव, और इनकी जगह जो बैठने वाले हैं आप सूर्य कुमार को खिलाइए क्योंकि एक बैट्समैन हमको और चाहिए और हुडा आज बाहर बैठने की पूरी पूरी संभावना बनती है। और श्रेयस अय्यर को मुझे लगता है इस अभी चांस इस सीरीज में देने वाले नहीं है और ये चीज मैं चेंज देखता हूँ। और जहां तक कोहली पर सवाल है, देखिए हमारा मिडिल ऑर्डर अभी भी देखिए दोनों मैचेस में ज्यादा नहीं चल रहा है जबकि एक मैच में सूर्य ने बहुत अच्छे 64 रन बनाए और राहुल ने भी अच्छा एक उसका साथ दिया 49 रन के। एक बहुत अनफॉर्चुनेट रन आउट हुआ है, राहुल अपनी ही गलती में रन आउट हो गए थे वो। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ मिडिल ऑर्डर क्या होता है, जब तक कोहली नहीं चलेंगे किसी भी मैच में तो हमारा मिडिल ऑर्डर सक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि एक वो पीड़ की हड्डी है कोहली जो कि वहां रुकते हैं, रन भी बनाते हैं तो उनके देखा देखी जो पार्टनर्स उनके होते हैं उनके भी स्कोर खड़े हो जाते हैं कहीं ना कहीं क्योंकि एक कॉन्फिडेंस जब सामने वाला बैट्समैन एक कॉन्फिडेंसली खेलता है अच्छे रन की तरफ बढ़ता है तो बहुत अच्छे दूसरे मिडिल ऑर्डर का भी चल पाता है जी। दूसरा मैं देखता हूँ वेस्टइंडीज की तरफ से पोलार्ड आज वापस कमबैक कर सकते हैं क्योंकि वो उनकी थोड़ी सी इंजरी थी और वो वापस फिट हो गए होंगे आज, मुझे लगता है वो खेलने वाले हैं। और एक बहुत अच्छी खबर नहीं होगी कि ओरियन स्मिथ जो उनकी जगह खेले थे और उन्होंने विकेट भी अच्छे लिए थे, बॉलिंग बहुत अच्छी परफॉर्म किया था, वो आज वापस मुझे लगता है बाहर बैठने वाले हैं। और जहां तक वेस्टइंडीज के बॉलिंग का सवाल, देखिए अल्जारी और जोसफ और ओरियन स्मिथ ने बहुत ही प्रभावित किया है इस सीरीज में और इनके लिए मैं समझता हूँ आईपीएल के दरवाजे बहुत अच्छे खुल चुके हैं और ये तीनों बहुत अच्छे मुझे लगता है एज अ बॉलर ओवरसीज बॉलर एज अ फिट होने वाले हैं इसमें आईपीएल के अंदर। और जहां तक अहमदाबाद के विकेट का सवाल है, विकेट बहुत शानदार खेल रहे हैं। देखिए विकेट ऐसे बने हैं, बैट्समैन को भी यहाँ फायदा है, जो रुकेगा जो अच्छा जिसके पास टेक्निक है जिसके पास पेशेंस है वो रन भी बनाएगा और बॉलिंग बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहा है ये वाला विकेट। बॉल बाउंसी है, विकेट बाउंसी है, ऑफ द विकेट बहुत तेज निकलता है इस विकेट पे। मैं समझता हूँ क्यूरेटर की मैं तारीफ करूंगा जिस हिसाब से उन्होंने विकेट बनाए। सर, इसके अलावा सारे चेंजेस के बाद में आज आपके अकॉर्डिंग प्लेइंग 11 टीम इंडिया का क्या हो सकता है? देखिए जो पिछले मैच में जो अब इंडिया खेली थी उसमें एक तो देखो धवन खेलने वाला है और वो ओपन करने वाला है क्योंकि पंत का ओपन कराना एक मैं समझता हूँ एक सक्सेसफुल स्टैंड नहीं रहा है
और वो आगे से कभी करना भी नहीं चाहिए। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है वो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं था मेरे हिसाब से। पंत का नीचे ही खेलना बहुत बढ़िया है, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर उसमें ही वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रन बना सकते हैं। और दूसरा जो हुडा, मैं समझता हूँ बाहर बैठना चाहिए, सूर्य कुमार एज अ बैट्समैन खेलना चाहिए, और दूसरा चेंज करूंगा कुलदीप यादव खेलना चाहिए सुंदर की जगह। जी चलिए सर, बहुत शुक्रिया।